भी अमल के कबूल होने के लिए दो शर्त है, एक ये कि वो अमल खालिस अल्लाह के लिए करो और दूसरे वो अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो। तो वो कहा वह हुआ मुहसिनुन, अपना चेहरा अल्लाह की तरफ कर दे और अल्लाह की तरफ चेहरा करने के मामले में नेकोकार हो, अच्छा अमल करने वाला हो। कोई अमल कैसे पता चलेगा कि अच्छा है, हमारे कहने से कि अल्लाह के बताने से, अल्लाह के बताने से। और अल्लाह ने क्या बताया, कौन सा अमल अच्छा होगा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने के मुताबिक होगा। हर हर जमाने में जो रसूल आए, रसूल ने जिस तरह अमल करने के लिए कहा वो अमल अगर किया तो वो अमल अच्छा है, और अगर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक किया तो चाहे जितना मुखलिस हो अमल अच्छा नहीं है। नसरानियों के यहां क्या मसला था, जो लोग नसरानी थे ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान का दावा करते थे, उन लोगों ने रहबानियत मनमानी शुरू कर दिया था। रहबानियत यानी दुनिया से कट के जंगल में निकल जाते थे, किसी कुएं में उल्टे लटक जाते थे, पांव ऊपर सर नीचे लटके हुए हैं कितनी मुद्दतों तक। अल्लाह ने क्या कहा कि ये उन्होंने मनमानी कर लिया, अल्लाह ने थोड़ी इसका हुक्म दिया था, इस पर वो सवाब पाएंगे, क्योंकि बड़े बुजुर्ग हैं कांटों पे लेटे रहते हैं, कांटों पे लेटने का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि इबादत का तरीका है, अल्लाह की इबादत का तरीका है कांटों पे लेटे रहो, धूप में पड़े रहो, कुएं में उल्टे लटके रहो, लगातार बिला सहरी इफ्तारी किए एक एक महीने तक, बिला सहरी इफ्तारी किए रोजा रखते जाओ, अल्लाह ने बताया। एक टांग पे खड़े होकर पूरा कुरान खत्म करो, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया, नहीं ये सब नहीं बताया। इसमें कुछ सवाब मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया, अमल भी करेंगे, अमल करके थकेंगे भी, जहन्नम ठिकाना हो।